हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में हमें हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र में आपकी कहाँ पे साइड रहेगी, क्या सैलरी है, क्या ड्यूटी है, अदर बेनिफिट्स कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, जो सारी डिटेल्स है आगे वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। और दोस्तों, अभी तक आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को हमारे फॉलो नहीं किया है तो जाकर उसको भी फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारी और भी कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती है हम उस पर करते तो वो आपको वहाँ से मिलते रहे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली जो भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हो उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में हमें हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है। हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र में जैसे कि जितने भी हाउसकीपिंग की आपको टीम दी जाएगी उनको सुपरवाइज करना रहेगा, आपको उनको हैंडल करना रहेगा, कैसा काम कराना है, कैसे उनको सारा कुछ मैनेज करना है, ये आपको जिम्मेदारी पे रहेगा, आपको किस तरीके से उनको हैंडल करना है। और आपको जो साइट्स होगी कंपनी के कई सारी साइट्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, फाइव स्टार होटल्स है, रिसॉर्ट्स है और मॉल्स वगैरह है। आपको जो भी साइट दी जाएगी वहाँ पर आपको काम करना रहेगा। दोस्तों, इस पर आपको जो है वो सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए कि हाउसकीपिंग में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, क्या केमिकल्स यूज़ होते हैं क्लीनिंग वगैरह के लिए, ये सारा कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। आपकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए, अच्छी तरीके से इंग्लिश आपको बात करने आनी चाहिए, थोड़े पढ़े लिखे होना चाहिए आप। और दोस्तों, इसमें कंपनी जो सैलरी दे रही है वो 1400 सऊदी रियाल से लेकर 1800 सऊदी रियाल के बीच में होगी। आपकी जो आपके इंटरव्यू पे और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, कितना आप कितने अच्छी तरीके से आप इंटरव्यू देते होते हैं। दोस्तों, इसमें जो है वो जूम इंटरव्यू होने वाला है और जूम इंटरव्यू पर आपका सलेक्शन होगा, तो आपको जो है वो इंटरव्यू अच्छी तरीके से देना है। आपका एक्सपीरियंस जो है वो एटलीस्ट 2 से 3 साल का आपको हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र में कैसा बंदों को सुपरवाइज किया जाता है, किस तरीके से बंदों को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से उनसे काम किया कराया जाता है, ये सारा कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। उस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके काम से रिलेटेड, ये सारा कुछ क्वेश्चन आपको उसके आंसर्स करने होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको सैलरी जो है वो 1400 से 1800 सैलरी उसके बीच का आपका रेंज है। जो इंडियन करेंसी में आज के रेट के हिसाब से जो है वो 31,000 से लेकर 40,000 के बीच में सैलरी बनती है, जो आपके जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। आपको इंडियन एक्सपीरियंस है ये तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ गल्फ एक्सपीरियंस ही चाहिए। इस पर दोस्तों आपका इंडियन एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का तो भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, बस आपको इंग्लिश जो है वो अच्छी तरीके से बात करने आनी चाहिए। दोस्तों, इसमें एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारा कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, इसमें जो ड्यूटी है वो 10 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी है। दोस्तों, ड्यूटी भी काफ़ी अच्छी है, 10 घंटे से ऊपर आप जो भी काम करोगे उसको आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो हमें एज की रिक्वायरमेंट है वो 22 से लेकर 35 साल तक है। 35 साल से ज़्यादा की आपकी एज नहीं होनी नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आपकी एज जो है वो 36 की है, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपका इसमें अप्लाई आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो एज है वो 35 ही होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें जो पासपोर्ट है हमें ECNR पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आप पढ़े लिखे होना चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो आपका जो पासपोर्ट है वो ECNR ही होना चाहिए। दोस्तों, इस पर अप्लाई करने के लिए आपको हमारे ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। हमारा ऑफिस जो है मुंबई में है, द प्रोवाइडर कंसल्टेंसी के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आपका डॉक्यूमेंट जो है वो व्हाट्सअप नंबर है, सेम नंबर पर आप उस पर भी सेंड कर सकते हो। वीडियो के एंड में आपका और भी 2 नंबर मिल जाएंगे, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। उस सेम नंबर दोनों नंबर व्हाट्सअप पर भी है, उस पर भी आप डॉक्यूमेंट्स आपके भेज के भेज सकते हो। और मेल आईडी पे भी आपके डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो PDF करके, जैसे कि आपका CV हो गया, पासपोर्ट हो गया, फोटो, आपका एक्सपीरियंस लेटर और जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, ये सारा कुछ आपको 1 PDF करना है और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, हमारे मेल आईडी पे आपको सेंड करना रहेगा। और भी डिटेल्स पे जानना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आगे वीडियो के अंदर आपको जैसे कि मैंने बताया फेसबुक और इंस्टाग्राम का एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी इंटरव्यूज जो अर्जेंट वैकेंसीज होती है, हमारे इंटरव्यू शेड्यूल्स होते हैं जो जल्दी से जल्दी उस पर हमें अप्लाई करना रहता है, जो कैंडिडेट्स हमें प्रोवाइड करते रहते हैं तो उस पर हम पोस्ट करते रहते हैं, तो हम जिसकी वीडियो नहीं बना पाते तो आपको वो अपडेट्स वहाँ से मिलती रहेगी। हम हमारी जो काम चल रहे हैं, क्या अर्जेंट वैकेंसी है, वो आपको वहाँ से पता चलता रहेगा। आप उस पर मैसेंजर पर बात भी कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हो, फेसबुक पर भी बात कर सकते हो हमारे से।
और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। हमारी कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारे पास हर तरीके की रिक्वायरमेंट्स आती है। आप किसी भी फील्ड से अप्लाई करना चाहते हो तो हमारे यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये थी आज की अपडेट, तो चलिए जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।